हमारे समाज में अनेकों सामाजिक समस्याएं आज भी व्याप्त हैं, जिनमें से एक है दहेज प्रथा। यह दहेज प्रथा एक ज्वलंत समस्या भी बनती जा रही है। हालांकि दहेज मांगने वालों पर हमारे कानून में सख्त सजा का प्रावधान भी है, फिर भी दहेज के लिए युवतियों को तंग करने के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार तो दहेज ना देने पर युवती की शादी तक भी टूट जाती है। इतना ही नहीं, कई बार दूल्हे पक्ष के लोग शादी वाले दिन ही नहीं पहुंचते, जबकि लड़की पक्ष की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती है। बरातियों के खाने तक की व्यवस्था भी हो चुकी होती है। इस ओर अभी और सख्त कानून व नियम होने चाहिए। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला हरियाणा के करनाल से सामने आया है। हुआ यूं कि दुल्हन 16 सिंगार की अपने पिया की राहों में पलके बिछाकर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। बरात के स्वागत और खातिरदारी के लिए अनेकों इंतजाम भी पूरे हो चुके थे। सखियां और मेहमान हंसी चिटोली में व्यस्त थे। घर मेहमानों से भर चुका था, लेकिन बारात नहीं आई। मामला मेरठ रोड स्थित हनुमान कॉलोनी के मुस्लिम परिवार से जुड़ा है। आरोपों की माने तो जब दुल्हन पक्ष की ओर से निकाह से पहले दहेज नहीं दिया गया, तो दूल्हे पक्ष की ओर से शादी वाले दिन कोई आया ही नहीं। दुल्हन शादी के जोड़े में बारात का इंतजार करती रही। बताया जा रहा है कि दहेज में करेटा कार ना मिलने की वजह से बारात दुल्हन के आवास पर नहीं पहुंची। शादी को लेकर सभी तैयारियां पूरी थी, दुल्हन भी सज धज कर तैयार थी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। लड़की वालों ने लड़कों वालों पर दहेज ना मिलने पर शादी वाले दिन ना आने का आरोप लगाया है। उन्होंने दूल्हे पक्ष के लोगों को कई बार फोन भी किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। आलम यह है कि दुल्हन व उसका परिवार इस सारे मामले को लेकर हैरान परेशान और बहुत दुखी है। खैर कुछ भी हो, अब देखना यह होगा कि कब हमारे समाज में ऐसी दहेज प्रथा जड़ से समाप्त होगी। सर, मामला तो हमारे पास यहाँ लड़की का रिश्ता लेकर है। हम ही इनके पास गए, ये हमारे पास लड़की का रिश्ता लेकर आए और अच्छी तरह आए, सारे आए, 5-6 जने आई हैं घर में से। और आने के बाद में लड़की से के पास जाना, यहाँ घर पर आए, खाना नाश्ता वगैरह हमने सारा करा इनको, और फिर पसंद आई लड़की इनको। इन्होंने कहा भाई लड़की हमें पसंद है, और ये 1100 रुपये लड़की को दे के सिरपा देख के और ये चले गए सर। फिर अगले दिन इन्होंने मेरे को बुलाया 2 दिन बाद और बुलाने के बाद में इन्होंने मेरे से कहा भाई तू क्या इनके इसके लिए कर सकता है, हिना के लिए, हिना लड़की का नाम है सर। तो मैंने कहा जी मैं तू मेरी बच्ची है, मैं कुछ भी कर सकूं। तो ये कहने लगे कि वो भाई आपने अभी लड़की की शादी करी है, मैंने 12 जुलाई को शादी करी है लड़की की अभी, कि हमें अभी शादी करनी है, अभी कर देगा। मैंने कहा कर दूंगा मैं कहा चेक कर लो मेरी तरफ से, तो मेरे पास है तो है नहीं कुछ। कहने लगी ठीक है फिर तैयारी कर ले जल्दी खटाखट। तो जी मैंने फिर उनके शोरूम है कपड़ों उसका फर्नीचर का, मैंने कहा भाई शोरूम कपड़े सामान तुम यहाँ से उठा लो। वो कह लगे नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तुम हो अपना मर्जी से जैसा मर्जी दो। फिर मैं दूसरे शोरूम पे गया, उनसे जो है ना मैंने सामान तय करा और वो सामान उनको दिखाया, लड़के को भी सामान पसंद करा, लड़के को भी पसंद आया सामान। उसने कहा जी मेरा यहाँ बोर्ड है जहाँ में बैग आएगी और इसमें बोर्ड की कटिंग करवा देना। तो उसके बाद जो है ना उनसे सारी बात होने के बाद में कपड़े वाले की बात हुई, कपड़ा भी तय हुआ भाई क्या लाना। जो सुनार उनके सामने दुकान के सामने दुकान पे है, उनसे मेरी चीज़ भी जो है जो बनवानी थी मैंने वे भी दी, वहाँ बननी, वहाँ से कुछ नकद लेकर कुछ बनने के लिए देखा उनको। तो सर सारी बातें हुई हैं, फर्नीचर भी उनको समझ आया, सारी चीज़ें समझ में आई। बस बाद में आके जब ये कार्ड वगैरह सारे बट के सब काम हो गया उसके बाद जो है ना इन्होंने मांग कर दीजिए। कितने टाइम तक रिश्ता तय रहा था? 3 महीने करीब हो गया सर। 3 महीने के अंदर उन्होंने शादी करने के लिए जी जी जी। तब उनकी नियत कहीं ना कहीं डगमगा गई जी, बिल्कुल लालच आ गया उनके मन जी जी। क्या मांग रहे हैं वो, किस गाड़ी? वो बता रहा हूँ मैं आपको, बता पहले भी वो करेटा गाड़ी की डिमांड है जी, 5 लाख रुपए की डिमांड थी मेरे से। बाकी जो फर्नीचर का वगैरह का जो सारा सामान था वो तय हो चुका था। आपने क्या बोला कि मैं कहाँ तक? सर हमने उनको बोला है कि भाई हम, मैंने नहीं बोला सर, मेरे से बात नहीं हुई है। ये मेरा साला है शौकीन उसका नाम है, उससे मैं उसको मैंने भेजा मैं भाई जान से बात करगा। तो वो बात करने के लिए गया, उससे उसने कहा भाई हम आपको कहा अल्टो कार दे देंगे और 10 लाख रुपए का सामान आपको लिस्ट बना के दे देंगे। तो लेकिन उस पर वो राजी नहीं है, मना कर दिया। लड़का ऐसा कर रहे हैं, उसके घर वाले साथ हैं सर।
तो बस ये कहते हैं तो लड़के को लड़का मानता नहीं शादी के लिए। अच्छा, लड़के को आगे कर लड़का हमारे घर पे आया 3 घंटे यहाँ रहेगा सर, और लड़की से बात करकेगा, मिल के गया, खाना खा के गया, नाश्ता वगैरह करके गया, फोटो खिंचवाए, बल्कि फोटो खींची उसने खुद और हमारे को उसी ने व्हाट्सअप करे फोटो खींच के। रिश्ते के दौरान लड़की से ही बातचीत होती थी उसकी फोन वगैरह पे? सर ये नहीं मेरे को मालूम है, बातचीत होती थी नहीं, लेकिन वो घर पर आया बात करके गया लड़की से। अच्छा जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो आज अपनी शादी थी कि लड़के वाले क्यों नहीं आए? वो जी दहेज के लिए नहीं आए, उनको क्रेटा गाड़ी चाहिए और 5 लाख रुपए नगद चाहिए उनको। पहले उन्होंने शादी से पहले ये डिमांड करी थी या आजकल में करी है शादी? आजकल में करी जी। लालच आ गया उनके मन? हाँ जी, लालच आया उनके मन। इस तरह के वो हरकतें वो पहले भी कर चुके हैं? पहले भी कई रिश्ते ऐसे हो चुके हैं उनके? हाँ जी। आपको पता था पहले भी? हाँ नहीं, वैसे तो इस बारे में नहीं पता था मेरे को। तो आपके रिश्ते के दौरान उसे बात होती थी लड़के से? नहीं वैसे तो जब यहाँ पर आया था लड़का तब तो हुई मेरी उससे बात। अच्छा, हाँ जी। अच्छे से बात करते थे? हाँ, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो मतलब कि आते थे बात करते, बहुत प्यार से बात करते थे, सारे काम अच्छे तरीके से होते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। तो आप क्या सोचते हो कि उनके जो ये दिमाग में ये बात है वो कैसे आई, उनके माता पिता द्वारा की गई या लोगों द्वारा बताई? वैसे तो लोगों द्वारा हुई होगी जी बातें। लोगों ने भड़काया? हाँ जी, हाँ जी, उनको लोगों ने भड़काया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हीना। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.